गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो आज का जो मेरा ब्लॉग है वो है टॉपरों से मुलाकात, क्योंकि हाई स्कूल और इंटर का रिजल्ट जो है आ चुका है, तो मैं ज़रा उन लोगों से मिलने के लिए जा रहा हूँ जिन्होंने उत्तरांचल टॉप किया हुआ है। तो एक यहीं पर ही हमारे साजी रहते हैं, तो उनकी लड़की भी उत्तराखंड टॉप किया हुआ है, उनकी लड़की ने भी। तो ऐसे ही अभी बहुत से हैं, एक खत्री जी हैं हमारे फ्रेंड, उनके बच्चे ने भी किया हुआ है। तो चौथे स्थान पर है दीपांजलि गोस्वामी, चौथे स्थान में है दीपांजलि गोस्वामी करके है खैरना। तो ऐसा है, इन सभी बच्चों से मैं मुलाकात करूंगा, ठीक है, और आपसे मिलवाता हूं उनको। बने रहेगा वीडियो में, और वीडियो को ज़रा शेयर कर दें जिससे और लोगों को भी प्रेरणा मिल सके, जानेंगे उनसे मेहनत करी क्या करी, उनसे जानेंगे कि यार उन्होंने कैसे मेहनत करी, क्या उनकी टाइमिंग रहती है पढ़ने की, सुबह कितने बजे उठते हैं, कितने बजे सोते हैं, क्या है कैसा है। तो ये है कि उससे ऐसा है जो और भी जो स्टूडेंट हैं तो एक मार्गदर्शक काम होगा मेरा वीडियो जो है, तो उनको भी एक मतलब मोटिवेशन मिलेगा कि हाँ हम ऐसे ये करें। तो प्लीज़ यार आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि वीडियो को शेयर कर दें, ठीक है। देख रहे होंगे कि बारिश का मौसम है, आज सुबह से ही मौसम बना हुआ था, तो ऐसे में ज़रा जो है ड्राइव करना ज़रा टफ हो जाता है पहाड़ों में, लेकिन धीरे धीरे हम निकल चुके हैं, जाम भी काफ़ी है, बस पहुँचते हैं, हम रातीघाट पहुँचने वाले हैं। चुके हैं यहाँ पर तनुजा शाह के घर पे, जिन्होंने उत्तराखंड में टॉप किया है। साजी है हमारे, जो साजी हैं उनकी फैमिली है। तो फ्रेंड्स, ये जो बीच में जो लड़की बैठी हुई है, ये है तनुजा शाह, जिसने उत्तराखंड टॉप किया हुआ है, 19वीं रैंक है इनकी, और बगल में इनकी मदर है, और ये हमारे हिंदुस्तान के पत्रकार भी बैठे हुए हैं यहाँ पर, आप देख रहे होंगे। तो तनुजा, कितने घंटे पढ़ाई करते हो? नहीं, फिर भी मतलब ये है कि शाम को कितने घंटे और सुबह कितने घंटे? चार पांच घंटे तो मतलब डेली का, और पेपरों के टाइम में तो पूरे दिन भी करती हूँ। अच्छा, तो अच्छा ये बताओ, ये जो आप अभी उत्तरांचल आपने टॉप किया है, इसका श्रेय आप किसको देंगे? अपने माता पिता को भी और स्कूल के शिक्षकों को भी। अच्छी बात है, तो आगे क्या करने की सोच रखी है? आगे तो मैथ्स लेने की सोच रखी है, मैथ्स की स्ट्रीम। अच्छा, और उसके बाद फिर देखते हैं। यहाँ पर सबसे ज्यादा पढ़ाई में सबसे ज्यादा सपोर्ट कौन करता है आपको? सभी लोग करते हैं, से पेरेंट्स भी करते हैं। अच्छा, चलो अच्छी बात है, बहुत बहुत बधाई हो बेटा, बस ऐसे ही लगे रहो अपने पढ़ाई में, काफी आगे पहुँचोगे। जैसा कि आपने देखा कि बच्ची से मैंने बात की, तो आपने जो अपनी सफलता का जो श्रेय है मम्मी पापा और स्कूल के टीचरों को दिया है, और काफ़ी अच्छा लगा बच्ची से मिल करके। और बच्ची के फादर जो हैं वो कॉन्ट्रैक्टर हैं, तो ये है कि सभी जगह ठेकेदारी जो है अपना लेते रहते हैं। मदर जो है वो हाउसवाइफ है, वो घर ही पे रहते हैं, बच्चों का ध्यान देती हैं। तो काफ़ी मतलब बहुत ही अच्छी फैमिली है। मैं आज से नहीं, इस परिवार से कम 20 साल से जुड़ा हुआ हूँ। तो ये है कि हमने बच्चे छोटे छोटे देखे थे, आज तो बड़े हो गए और टॉप भी किया, बहुत अच्छा लगा, मन दिल खुश हो गया। तो प्लीज़ यार वीडियो को शेयर कर दें जिससे और बच्चे भी ये देखें और आगे उनको भी रास्ते मिले कि कैसे क्या करना चाहिए, कैसे क्या करना चाहिए, ठीक है फ्रेंड्स। अब अगले टॉपर के पास पहुंचते हैं, मदर द्वारा मिठाई खिलाई जा रही है बच्चे को, बहुत बहुत बधाई हो बेटा। चलो फ्रेंड्स, एक टॉपर के यहाँ फिर जा रहे हैं, ठीक है, बने रहेगा वीडियो, और वीडियो को शेयर कर दें। तो सर बधाई हो, बधाई हो, कहाँ है? ये है, ये है हमारा टॉपर, ये तो फेल हो गया देखना पक्का। अरे इधर को आ जा, इधर बैठ जा। तो फ्रेंड्स ये हैं अमिनेश, अनिमेश खत्री, ये इनके फादर हैं और ये मदर हैं। तो इनका अपना उसका काम है,
ये आधार कार्ड, कुछ बैंक 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 से रिलेटेड भी काम है, और सीएसटी सेंटर ही काम करते हैं, जीएसटी इनकम टैक्स से, और या आधार कार्ड से सब लिंक इंक कराना है, ये सब इनका रहता है। तो इनके सुपुत्र हैं जिन्होंने हाई स्कूल में उत्तरांचल टॉप किया है। तो रैंक कौन सी है आपकी? 25। चलो बहुत बहुत बधाई हो। तो कितना पढ़ते हो यार, ये तो बताओ। पबजी ज़्यादा नहीं पढ़ते। पबजी गेम हम सब खेलता है तो। नहीं वो तो नहीं, एक्चुअली होता क्या है ना, होता क्या है मैं तुम्हें बताऊँ। कुछ बंदे ये होते हैं ना, वो एग्जाम से पहले पढ़ते हैं, उनको सब याद हो जाता है। हम जैसे लट तो ऐसे थे कि साल भर भी पढ़े तो तभी एग्जाम के वक्त में भूल जाते थे। तो कितने घंटे पढ़ते हो? मैक्सिमम दो। बस दो घंटे में उत्तरांचल टॉप? नहीं वास्तव में ज्यादा नहीं पढ़ा, मैंने तो एक टारगेट रखा था, मुझे 95% मार्क्स चाहिए। अच्छा। मैंने ये टारगेट रखा था इसका, मैंने तो गेम खेल कुछ कर बस 95% चाहिए। थोड़ा मैथ में पहले दिक्कत आ रही थी, एक आध हफ्ते मैंने देखा था, नेक्स्ट टाइम से अच्छा कर लिया था मैथ में, उसके कवर कर लिया। चलो ठीक है, ज्यादा नहीं पढ़ा, यदि पढ़ता शायद कुछ अच्छा कर लेता। अरे अरे तो फिर तो अच्छी खासी रैंक आती, अच्छी आ जाती है। चलो कोई नहीं, तो अभी तो ये हाई स्कूल ही है, तो इंटर में यही उम्मीद रखेंगे कि उत्तरांचल टॉप में आपका नाम ऊपर शीर्ष में हो। ठीक है, तो फ्रेंड्स आप देख रहे होंगे, तो मैं अभी खत्री जी के घर पे हूँ। तो मात्र दो घंटे पढ़ता है यार, मैं तो यार ताजुब कर रहा हूँ, दो घंटे पढ़ने वाले के यार उत्तराखंड में 25 रैंक यार बहुत मायने रखती है यार, हम तो साले थर्ड डिवीजन वाले हैं। अब लगाओ थर्ड डिवीजन भी आ गई, तो ये है स्थिति। तो यार वीडियो कैसी लगी ये जरूर बताना, और प्लीज यार वीडियो को शेयर कर दें यार। कुछ बंदा भी शार्प माइंड है, ऐसा कुछ नहीं है कि होता है यार कि एक एक बार पढ़ने से ही जो वो होता है याद हो जाता है, हमको तो याद ही नहीं होता। तो ये खुशी का माहौल है, तो मम्मी अपने लाल को है जो मिठाई खिलाई जा रही है, और बच्ची नाराज हो गई है क्योंकि हमारे कैलाश भाई ने कह दिया तू फेल होगी, करी कह दिया और गंदी बात कर दी, तो बच्ची रो रही है हमारी। ये देखो बहुत बहुत बधाई हो, बहुत बहुत बधाई हो। ये छोटी बहन दद्दा को मिठाई खिलाते हुए, क्या बात है। अमिनेश खत्री जो है, इसकी खासियत है, खासियत क्या है कि ये जितना भी पढ़ता है पूरा पूरा गेन करता है उसे। और मजे की बात बताऊं कि इसके मम्मी पापा बोल रहे हैं कि इसका कोई ट्यूशन नहीं है। अभी कैलाश कह तो रहा है उनका दिन भर पबजी खेलता करे कह रहा है। यार पबजी खेल यार, फिर भी ये देखो ना यार, दो घंटे पढ़ने वाला बंदा है, उत्तरांचल टॉप कर दिया, कितनी बड़ी बात है। तो यार मैं तो यार दिल खुश हो गया कसम से। तो आज जब से रिजल्ट आया है, तो मैं अभी साजी की लड़की से मिल कर के आया, फिर यहाँ पर आया हूँ। अभी एक दो एक नीचे हैं, अगर वो यहाँ पर घर पे होंगे तो उनसे ही मिल के आऊँगा। तो प्लीज़ यार अपने उत्तराखंड के बच्चे टॉप में हुए हैं, तो प्लीज़ वीडियो को शेयर कर दें, जिससे यार औरों को भी जरा वो मोटिवेशन मिलता है कि उन्होंने कहा यार आखिर क्या है इसकी सफलता का राज, और बच्चे क्या करते हैं। तो यही है, ठीक है, अभी देखता हूँ, नीचे जाता हूँ, अगर कोई मिलते हैं तो फिर उनसे ही मिलता हूँ, फिर आपको मिलाता हूँ। अभी मैं खुशी नैनवाल करके है, उनके घर जा रहा हूँ। तो उन्होंने इंटरमीडिएट में टॉप किया हुआ है, तो हम पहुँचते हैं उनके घर। तो फ्रेंड्स खुशी तो कंप्यूटर सीखने के लिए गई हुई है, तो वो मिली नहीं, तो अभी मैं जा रहा हूँ नीचे, जिसने जो जो टॉप में है उसके पास जा रहा हूँ अभी। ठीक, बधाई हो आपको। ये लड़की के फादर हैं और ये लड़की है जिसने उत्तरांचल टॉप किया हुआ है। तो मैं स्पेशली सभी से मिलते हुए आ रहा हूँ। तो मैंने कहा शाम ही को जाऊँगा, मैंने जब नीचे को वीडियो अपलोडिंग के लिए जाऊँगा। तो बेटा कैसा कैसा महसूस कर रही है? अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। तो आगे क्या प्लानिंग है? आगे मैंने ग्रेजुएशन करने की सोची किसी अच्छे कॉलेज से। अच्छा, फिर सिविल सर्विस की तैयारी। पढ़ती कितने घंटे है? पढ़ने का ऐसे कोई टाइम नहीं था, फिर भी लगभग नहीं, फिर भी 12 से 13 घंटे। खत्री जी का लड़का है, हाई स्कूल में टॉप हुआ है, तो वो बता रहे हैं कि यार ये मात्र दो घंटे पढ़ता हूँ वगैरह। नहीं वो 10th में है फिर, तो बाकी वो कहते हैं ना पबजी खेलता है बल। मैंने भाई साहब 25वीं रैंक बहुत मायने रखती है यार उत्तरांचल टॉप में, तो आगे ग्रेजुएशन करेंगे। बहुत बहुत बधाई हो। फिर मैंने कहा मैं सबसे मिल करके आता हूँ। मैंने अभी खुशबू वहाँ नैनवाल के पास गया था, खुशी है क्या है खुशबू है, तो वो मिली नहीं, कंप्यूटर सीखने के लिए आई थी।
तो मेरे को यार ये मैंने कहा भाई हमारा भाभी तुरंत पहुंचती है वीडियो, ठीक है ठीक है तो मीठा करवा मुँह मीठा। अरे यार भाई तुम लोग मिल गए, मुँह मीठा ही मीठा है। चल ठीक है बेटा, बधाई हो, बहुत बहुत बधाई हो। तो फ्रेंड्स आपने देखा होगा कि अभी मैं दीपांजलि से मिलकर के आया, तो काफ़ी अच्छा लगा। तो बोल रही थी 12 घंटे पढ़ती हूँ, तो आगे ग्रेजुएशन करने की तैयारी कर रही है बच्ची। तो प्लीज़ यार वीडियो को शेयर कर दें, ठीक है। और ये है कि यार हमारा छोटा सा गांव है खैरना गर्म पानी, तो वहाँ पर 4-5 जो हैं उत्तराखंड की टॉप लिस्ट में हैं। तो दिल ज़रा गार्डन गार्डन जिसे कहते हैं ना, बस वो होता है। तो आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि वीडियो को शेयर कर दें, ठीक है। मिलते हैं फिर अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।